अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारा बना लिया हमने केक, अब हम बनाएंगे स्वीट स्टॉल। तो देखिए कितना अच्छा सा चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी है फ्लेवर, और इतना सारा मैंने बनाया है क्योंकि क्लाइंट ने अपने किसी पार्टी फंक्शन के लिए ऑर्डर दिया था और कहा था कि ऐसा बनाना है कि तुम वाह लगे, जैसे कि मिठाइयाँ होती हैं ना उस टाइप का। तो सबसे पहले मैंने बेकिंग पेपर लिया है और इसे कट कर लेंगे, क्योंकि जो स्वीट रोल होता है ना उसे रैप करके रखना होता है सेट होने के लिए, फिर कट होती है। तो मैंने दो पेपर कट कर लिया। अब मैंने लिया है चॉकलेट स्क्वायर शेप का स्पॉन्ज, स्पॉन्ज ही मेरा, इसे मैं 3 या 4 लेयर में कट कर देती हूँ, क्योंकि जो स्वीट रोल होता है उसके लिए बारीक लेयर चाहिए होती है और स्पॉन्ज एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हम रोल करते हैं ना तो अच्छे से फोल्ड होना चाहिए। तो मैंने देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्ज है, वो टूट रहा है, ऐसा तो स्पॉन्ज ही होना चाहिए। तो मैंने 3 से 4 लेयर कट कर लिया ऐसे। सेम ऐसा ही स्ट्रॉबेरी वाला जो हमारा स्पॉन्ज है उसे भी 3 से 4 लेयर में कट कर ले। बहुत अच्छे से लेयर कट करनी है, क्योंकि अच्छे से लेयर कट करेंगे आप तो आपका रोल है बहुत अच्छा आएगा। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी जो क्रश है वो लिया है और मैंने शुगर सिरप में उसके थोड़ा सा डाल दिया है और ये साइड में रख दिया है, क्योंकि ये हमारा वही वाला जो मैंने चॉकलेट स्विस रोल के लिए यूज़ किया था। तो शुगर सिरप से अच्छे से सोक करना है, थोड़ी सी क्रीम लगानी है और इसे बहुत अच्छे से पतला सा एक लेयर बना देना है। अगर मोटा लेयर रहेगा तो फिर वो क्रीम बहुत ज़्यादा हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। तो ये क्लाइंट ने स्पेशली किसी गेस्ट के लिए बनवाया था, इसलिए बहुत अच्छे से बनाना था, तो मैंने इसके ऊपर क्रश भी डाल दिया ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें रैप कर देना है हमारे जो बेकिंग पेपर मैंने यूज़ किया है उसी से। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप न्यूज़पेपर या फिर आपके पास कुछ पेपर उसमें भी आप करके रख सकते हैं। बटर पेपर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद में, बस टाइम कम था तो मैंने बस 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया, फटाफट से चिल्ड हो गया, फिर उसके बाद मैंने इसे कट किया था। तो देखिए सेम ऐसे ही इसको भी करके रखना है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी वाला मैंने पहले हमारे टर्निंग टेबल पर रख के बनाया था तो वैसे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी रख सकते हैं। आपका जो बेकिंग पेपर बटर पेपर जो भी है उसके ऊपर डायरेक्ट स्पॉन्ज को रखना है, शुगर सिरप सोक करना है, फिर क्रीम। और हाँ, चॉकलेट का स्वीट रोल बना रहे तो आप इसके अंदर जो लेयर पर जैसे कि हमने क्रश डाला था तो वैसे आप चॉकलेट या जो आपको अच्छा लगे चेरी या कुछ भी आप ऐसे डाल सकते हैं, तो कटिंग करने के बाद अच्छा भी लगेगा और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बट मुझे सिंपल सुबह बनाना था, ऐसे ही क्लाइंट को चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे ही बना सकते हैं। ये देखिए कि थोड़ा सा टूट रहा था तो मैंने इसे अच्छे से रैप कर दिया है और ये देखिए सेट होने के बाद ना ये सही हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं। आप कट करके आपको दिखाऊंगी मुझे तो, और फिर इसे ना हल्के हाथों से प्रेस करके आपको रोल करना है ताकि जो टूटा फूटा है वो सही हो जाए।
देखिए सेकंड वाले रोल भी रेडी हो गई है, और ये सब बहुत अच्छे से थोड़ा सा मैंने साइड से मोड़ दिया है। और ये देखिए मैंने ये जो स्ट्रॉबेरी वाला था वो सेट हो रहा है, और ये देखिए जो टूट गया था ना उसकी कितनी अच्छी से कटिंग हो रही है। आपको जो ये ध्यान रखना है जो आप कट कर रहे पीसेस ना वो ज़्यादा मोटा पतला ना हो, एक जैसा हो, तो आपको सर्व करने में बहुत अच्छा होगा। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया हमारा रोल, और देखिए अलग भी हो जाता है बहुत अच्छे से। आप इसे मिठाई देते हैं मेहमान को, या फिर वैसे भी सजा के दे सकते हैं। क्लाइंट ने उसी लिए बनाया था क्योंकि उनको अपने किसी गेस्ट के लिए सर्व करना था। आई स्विच रोल कट करने के बाद ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए जो छोटा फोटा था बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है, कितने अच्छे से रेडी हो गया। और आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा इतना सिंपल सोबर सा, इतना स्वीट सा, फटाफट से बनाने और खाने वाला डिश।